बहुत अच्छे। हमारा पियावा के पागल बहाना वाला सरे, अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत विरह गायक ओम प्रकाश दीवाना पुनः वही टीम के साथ आप सब भोजपुरी सुनोइया भैया लोगन के पांव छू के गोड़ लगा तनी। बड़ा अभारी बनी आप लोगन के, हमरा दीवाना म्यूजिक चैनल के आप लोगन सब्सक्राइब करके 1 मिलियन से पार करा दिए। पुनः पूरी टीम की ओर से दिल की अनंत गहराई से आप लोगन का हार्दिक अभिनंदन वंदन करत बानी। जे भाई लोग हमरा दीवाना म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब ना कैले होई, प्रार्थना करतनी अपना दीवानवा के सपोर्ट करे खातिर, अपना दीवानवा के सहयोग करे खातिर रउवा लोग सब्सक्राइब जरूर कैले जा। बड़ा दिन हो गइल बा रउवा लोगन के बिरह सुनौले, बहुत लोगन का मांग भी रहल कि दीवाना भाई कोनो नया बिरह आवे। पुनः एक बीरस के बिरह रउवा लोगन के बीच में लेके आइल बानी जौना बिरह का नाम बा वतन का फरिश्ता। शहीद कहना बहुत आसान है मेरे मित्रों, लेकिन शहीद हो जाना उतना ही मुश्किल है। देश की बलि वेदी पे कोई शहीद क्यों हो जाता है? भूमिका की है 4 लाइन, बहुत कुछ बताने को बेताब हो रही है। कैसे जीतन भाई, उनके सीने में चुभने से डरती कटारी, गर्जना भी गोली की लगे प्रार्थना, सो बहादुर होते वतन के पुजारी। सरिया कफन मौत भी मात खा कर समर बीच हारी, तो यारे बांध ले जो दीवाना केसरिया कफन मौत भी मात खा कर समर बीच हारी। अरे भैया, जैसे रउवा लोग जानीला हर बिरह के शुरुआत हम नया कौवाली से करीला, एहू बिरह का आगाज हम नया कौवाली से करत बानी। कौनो प्रेमिका का धोखा खाइल प्रेमी अपने दोस्तों की महफिल में दर्दे दास्तां सुना रहा है। कैसे जीतन बाबू, कहता है
आज जाने का बात थी अरे जाने क्या बात थी उसने ना मिला ए याद है मासुका कहते है कुछ भी नहीं। अरे जाने क्या बात थी यारो जाने क्या बात थी उसने ना मिलाई आगे सामना जब भी हुआ उसने चुराई आंखें मगर तेरा भाई प्यार करने वालों की और जंग में जाने वाले जवानों की मंजिल क्या होती है प्यार और जंग में फना भी होना पड़ता है पर्दे के अंदर हो जाओ लेकिन जिंदगी की अकाट सच्चाई में बताने जा रहा हूं। मौत की गोद में बेवक्त सोना पड़ता है आए बाबू खतरा खतरा कभी से बतावे जाते कहां कहां से खतरा है भारत देश के कैसे बुद्धिजीवी वर्ग से प्रार्थना भाई लाइन पर जरा आप लोग गौर करो खतरा जैसे मानवता को जातिवादी से मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन जातिवाद खतरा जैसे मानवता को जातिवादी से खतरा वैसे है भारत को आतंकवादी से धर्म मजहब के नाम पर जो लड़ा करते हैं मारते दूसरों को खुद भी मरा करते हैं अरे बाबू उ धर्म कैसन चौना का रक्षा करे में इंसान मर जा और धर्म इंसान का रक्षा न करे मैं कहता हूं अगर जिस धर्म की रक्षा करते हुए इंसान मर जा बल्कि उस धर्म को त्याग देना चाहिए। खतरा नंबर 3 जाति धर्म ने भारत को हिंदुस्तान किया इतिहास के पन्नों में झांक कर देख लेना मेरा भारत भारत था जब आर्य आए आर्यावर्त हो गया मुगल आए हिंदुस्तान हो गया और अंग्रेज आए तो इंडिया हो गया मेरे भारत को लोगों ने टुकड़ों टुकड़ों में बांटा किस तरह से बांटा जाति धर्म ने भारत को हिंदुस्तान किया बांग्लादेश कहीं कहीं पाकिस्तान किया कहानी बा कहां के ग्राम अहीर यूपी में जिला बुलंदशहर
65 71 में करण सिंह ढहाए कर, बड़ा बेटा भी जवाब जंगी फौजी है, बड़ा बेटा भी जवाब जंगी फौजी है, छोटा जोगेंद्र बड़ा सानी और मन मौजी है। अरे बाबू बिरहा को बात समझ ली। उत्तर प्रदेश में ग्राम अहीर जिला बुलंदशहर का रहे वाला बाबू करण सिंह 65-71 की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ने वाले सेवानिवृत्त फौजी, दो संतान हवन, बड़ा बेटा भी फौजी है, छोटा बेटा जोगिंदर 12वीं में पढ़ता। एक दिन वहां गौवा के लोगवा आके पूछत हूँ बाबू करण सिंह से, ए करण भैया अरे 65-71 वाली लड़ैया कैसे लड़ल हो, बहुत वीर मरा गईल, बहुत वीर शहीद हो गईल, तू दू गो लड़ाई लड़ला के बाद भी अभी जीवित हुआ, उ लड़ाई कैसे लड़ल भैया? बाबू करण सिंह गौवा के लोगन के बतिया सुन के गौवा के लोगन से बतावे का बतावे मास्टर ये हमारे कैसेट का गीत बा। कौनो प्रेमी का प्रेमिका का बियाह का दिन धरा गया, प्रेमिका फोन पर रोक कहता करे चल जाइए रे एक बार मिल ले रे। प्रेमिका आके पूछलस कहो करवा तारा आ तू जा करी ता रोई ना तो का करी हंसी रे कि बिरहा गई। प्रेमिका प्रेमी के समझावत थी कैसे समझावे, कहे छोड़ा कुल रोना धोना हमके भूला जाय सोना, प्रेमी कहलस काहे रे तो प्रेमिकवा कहा थी अरे मिलल हमके दूला दारो। प्रेमी कलस हो तू एकदम पूरा बदल गई, हमार कुल प्यार भुला गई तो हम कहनी का कहनी, जहिया ना भइल रहलू अपना सजानावा के, रहलू दीवानावा के प्यार हो, पिता के सुन के कहानी पापा करण के जुबानी, अरे चढ़े देश भक्ति के खुमार हो, फौजी बने के देखे लगल सपनावा तो यादव जोगेंद्र हो नार हो। पहुंचे थे जब पाक के लाहौर शहर, 65 का लड़ैया में पाकिस्तान का लाहौर शहर तक पहुंच गई जा, अरे दिनवा भर लड़ल जा रतिया का आराम कर जा, तो जानत हो भैया वो पाकिस्तानिया का करे, सब पाकिस्तानी ही जड़े नलकूप में डाले जहर, सब पाकिस्तानी ही जड़े नलकूप में डाले जहर।
अब्दुल हमीद धामपुर वाले जो पाकिस्तान के 8 पेटेंट टैंक को अपने एशियल गन से ध्वस्त किए थे, वह वीर 65 और 71 को जिताने वाले मेजर होशियार सिंह। आ जब याद आवेलन तो एगो अलगे जज्बा होला। कैसे? अरे याद दयावेला बदुल होशियार हो, फौजी बने के देखे लगल सपनावा, तो याद जोगेंदर हो नार हो। बहुत अच्छा। अरे भैया सर ए बाबू इहे बतिया जोगेंदर के फौजी बने पर मजबूर कदलस। अरे कैसन होले परमवीर चक्र विजेता, कैसन रहला वीर अब्दुल हमीद, कैसन रहला मेजर होशियार सिंह। एक दिनवा उ जवान कैलस का मास्टर बिरहा में तरज बदल गई। माई बहिन लोग आवेली राज भाई अक्सर शादी बियाह में की खत आई गयो। अरे खत आई गयो शहर बनारस से, रे खत आई गयो। ए भैया लेकिन तब बिरहवा में का भयल कि भाग खुल गई। अरे भाग खुल गई खुली बहाली, मेरे भाग खुल गई। अरे मेरठ में भईले फौजिया में भरती, आ देहिया पे सोहे ना सेना के वरदी। की तवले 5 मई के शादी भईली, अरे हाली मेरे भाग खुल गई। जोगेंदर मेरठ में खुली बहाली में बहाल हो गए, बन गए फौजी। बाबू नौकरिया लगते ब्याह का दिन दे दल। 1 मई 1999 के जवान छुट्टी लेकर के घर पे आया है। 5 मई 1999 के जवान का शादी का दिन बा और 20 मई 1999 के जवान का छुट्टी खत्म होत बा। घर में दुल्हन आई है रीना यादव। छुटिया खत्म भयल हो भैया, का फौजिन का जिंदगी होला। जवान चलने की तैयारी करता है, वर्दी चढ़ाया है, बटन बंद कर रहा है, तब तक से फोन की घंटी घनघना गई। हेलो, सामने से आवाज आ रही थी आर्मी हेडक्वार्टर से, बाबू जल्दी चले आओ, क्या कर रहे हो? कहा साहब बस वर्दी चढ़ा लिया हूं। लेकिन इतनी जल्दी क्यों है साहब? कहो बेटा तुम टीवी वीवी देखते हो कि नहीं? कहे साहब टीवी देखत नहीं, जो नई टीवी आई वही में तो लागल है। कह रहे यार कबो कबो न्यूज भी देख लिया करो, खाली टीवी के चक्कर में पड़े रहते हो। पाकिस्तानियों ने घुसपैठ कर रखा है, बॉर्डर पे लड़ाई लग गई है, जल्दी आ जाओ। दुल्हनिया सुनत ही हो भैया, बेसिक फोनवा का बतिया टुकुर टुकुर ताकत है। जोगिंदर चलने की तैयारी करते हैं। बिरहा में बड़ी पुरान गीत लगे जीतन, पराना
अपना नारी के कि अरे लाज रखे महतारी के ना मांग के से नूर निहार तये कबोरे मांग के से नूर निहार कबोर दुश्मन भी ललकार उतारी के अरे लाज रखे महतारी के ना अरे बाबू जवान चल दिया जीतन जब बॉर्डर की तरफ कूच किया है जवान ड्यूटी करके बिरहा का शैली में कभी जी भाव लिख दलन अरे गोली भी बोली बंदे मातरम ए भैया गोली भी बोली बंदे मातरम अरे तघाटी कश्मीर की खेले खून की होली इरादों से आप पाक न पाक इरादों से घुसपैठ कराते हो कायर तोड़ करके युद्ध विराम सदा सीमा पर करते हो फायर 65-71 हार गए ये दोगले हैं 65-71 हार गए फिर भी करते अजमाइश हो कुतिया की तुम पैदाइश हो ए भैया अब बिरहावा के सीधे 17,000 फीट ऊपर कारगिल का सबसे ऊंच चोटी टाइगर हिल पर चढ़ावे जाते बड़ी पुरान गीत है मास्टर उहे गीत यवा की कोरी कहां तरी सासु अरे दही अरे जमवली कि अमीरी तलावली जोरा नवा राधा हो कांधमा नमो बाकी 17,000 हीटा ऊपर बामुदैया आ फतह टाइगर हिल अरे कर चलल सिपहिया कि बाकी रतिया में चढ़े ले चढ़ैया बिरवा हो दिनम कर ले यारा कंपनी और घातक प्लाटून के एक कई से कई जवान चलते हैं टाइगर हिल की उस टॉप चोटी को फतह करने कैसे चलन कौनी तरह का तैयारी हो कैसन तैयारी है भैया 2-3 रात अरे चलन पहर हुआ तवले सात साथी ऊपर गईले माई के दुलार हुआ तीसरा दिन को भोर होखे वाला हो 7 जवान
टाइगर हिल का मात्र 75 फीट नीचे हुआ और वो 42 जवान में से कुछ जवान नीचे रह गए। 7 ऊपर चले गए, बाकी नीचे चले गए। भोर में अचानक पाकिस्तानी आतंकवादी और फौजियों की नींद खुली है, आहट पा करके किए क्या, दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिए। और जब दोनों तरफ से फायरिंग खुला तो कभी जी लिखत हुआ कि अरे बाकी घेराई गई ले नीचा भैया हो कर दी न दे बचते बचाते भागे कुछ दूर निकले हैं झाड़ियों से। सामने 7-8 फीट का प्लेन फर्श दिखाई दे रहा था। उस फर्श के ठीक सामने एक पाकिस्तानियों का बंकर दिख रहा था। 7 जवानों के बीच का हवलदार मदन बोले, ऐ जोगिंदर यादव कुछ जाओ। कहा सर, अगर पाकिस्तानियों ने माइंस लगा रखी होगी तब। कहा या तो पाकिस्तानियों के माइंस से मर जाओ या मेरी गोली से मर जाओ। आगे जाओगे पाकिस्तानियों के माइन से ब्लास्ट होकर के मरोगे, अगर पीछे हटते हो तो फिर मेरी गोलियों से ब्लास्ट हो जाओगे। यूं ही नहीं, देश के सपूत देश की सरजमी पे शहीद हो जाते हैं साथियों। इतनी बात सुनकर के जवानों के जोश का अंत नहीं रहा कि ये क्या भाव बदल गए। अरे दीवाने दीवाने मातृभूमि के रे मौत से ले लिए पंगा। अरे तो दीवाने मातृभूमि के मौत से ले लिए पंगा रे, मौत से ले लिए पंगा। मौत भी खून की प्यासी, आए बाबू। 7 जवान कूद पड़े उस फर्श पे, सामने पहुंचे। सामने वाले बंकर में 4 आतंकवादी छुपे हुए थे, घोर नींद में सोए थे हमारे भारत के इंडियन आर्मी के जवानों ने उन 4 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिए। आए है चारों कलसिया फेंक के बहरवा वही बंकरवा में छुप गई। गोलियों की तड़तड़ाहट सुन करके ऊपर वाली चोटी से सनसन सनसन फायरिंग होने लगी। लगातार 5 घंटे तक गोलीबारी दोनों तरफ से होती रही। 5 घंटा बीतने के बाद हमारे जवानों का एमिनेशन खत्म होने लगा। जोगिंदर यादव बोला, सर अगर हम लोग इसी तरह लड़ते रहे तो एमिनेशन खत्म हो जाएगा, हम लोग मारे जाएंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चाल चलते हैं, अब हम लोग एक राउंड फायरिंग करेंगे। जब ऊपर से आर्टिगा मोर्टार ग्रेनेड लॉन्च करेंगे पाकिस्तानी, तो हम लोग अपनी फायरिंग बंद कर देंगे, हो सके पाकिस्तानी चकमा में आ जाए। ठीक वैसा ही हुआ। जब पाकिस्तानी आर्टिगा मोर्टार ग्रेनेड लॉन्च किए, दागे भारत के इंडियन आर्मी के जवानों ने अपनी फायरिंग बंद कर दी। करीब करीब 5 मिनट तक वे पाकिस्तानी वेट किए। जब दोबारा जवाबी फायरिंग नहीं हुई, वो पाकिस्तानी अपने 12 जवानों को भेजते हैं नीचे देखने के लिए कि जरा जा करके देखो कि हमारे बंकर के जवान सुरक्षित हैं कि नहीं। जब ऊपर आले 12 पाकिस्तानी जवान चलन हो बंकरवा कोरिया, तब कभी लिखत हुआ कि तवले 10-12 पाकिस्तानी मचाने चल दिए दंगारे मचाने। बहादुर वीर भारत के, बहादुर वीर भारत के रे उन्हें रुधिर में रंगा। आए बाबू
वह 12 पाकिस्तानी फौजी बंकर के सामने आते हैं, यह सोचकर कि हमारे साथी इस बंकर में छुपे हैं। निकल करके हमारे भारत के जवान सपूत तर 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 गोलियों से भून डाले। 10 को मारने में कामयाब हो गए, 2 ऊपर भागने में कामयाब हो गए। मरे हुए फौजियों का गोला बारूद बम बंदूक लेकर के जोगिंदर यादव बोलता है, सर अब यह जगह खतरे से खाली नहीं। ये जो 2 पाकिस्तानी ऊपर गए हैं, इस लोकेशन को लोकेट करेंगे और हम लोग मारे जाएंगे। गोली बारूद बंदूक से लैस वह 7 इंडियन आर्मी के जवान पत्थर की ओट लेकर के अपना पोजीशन बनाने लगे। अभी 7 जवान पोजीशन ही बनाते हैं, तब तक से हुआ का बिरहा में फिर भाव बदल गिल करिया। कि तवले बीस आए बाबू, ऊपर से 40 गोलियां बरस रही थी, नीचे से 7 गोली जवाबी कार्रवाई कर रही थी। अचानक एक ग्रेनेड फौजी अनंतराम और जोगिंदर के बीच में फटा, उसका स्पेंडल निकला और जोगिंदर यादव को घुटनवा में छेद के पार हो गई। जैसे लगा जोगिंदर यादव को मानो पैर कट गया है, हाथ लगाए पैर सही सलामत है। तब तक से दूसरा ग्रेनेड जोगिंदर यादव के ठीक सामने कुछ दूरी पे फटा, उसका स्पेंडल निकला और जोगिंदर यादव को अंखियां के नीचे मसाला लेके उड़ गई। जोगिंदर यादव सामने लेटे अपने सीनियर सिपाही से आवाज लगाते हैं, सर मुझे फर्स्ट एड कर दीजिए सर। वह सीनियर सिपाही पट्टी खोला है, नाक के सामने ले जाकर के समझा रहा है, बेटा पट्टी कर रहा हूँ, लेकिन एक बात ख्याल रखना जोगिंदर, तेरा सर कभी पत्थर से ऊपर ना जाने पाए। सनसन सनसन गोलियां आ रही हैं ऊपर से। आए है पट्टिया खोलत हो भैया, जोगिंदर के समझा के अपने खुद भूल गिलन, जे वही पट्टिया खोल के लगावे चलना तन ले। ओ सीनियर फौजी का इस सर वही पत्थर का ऊपर हो गया। जब पत्थर का ऊपर भयल तब का भयल, कि सीनियर जवाना जवाई अरे वाले खोपड़ी खोली रे दिहाले गतिया पट्टी खोले सर ऊपर पाकिस्तानी की गोली खोपड़ी उड़ा गई। ये हालात देखे जोगिंदर फौजी अनंतराम से एगो बात कह, योगेंद्र अनंतराम से कितावल को है ए भाई अनंत सर नहीं रहे, बड़े साहब की खोपड़ी पाकिस्तानियों ने उड़ा दिया। इतना सुनना था कि अनंत राम बोले क्या, और क्या के बाद क्या हुआ कि क्या से आगे ना बोला ले बतिया की साना साना गोलियां।
आए हैं, दो जवान मारे गए। इसके बाद का जो मंजर बताने जा रहा हूं, कमजोर दिल वाले बिरहा को बहुत दिल से नहीं सुनेंगे। ये करीब बात का भेल जीतन कितवले चारू और इससे घेरी के तैयार छलनी कईले छती अरे सन 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 गोलिया कि कुलिए मारल गईले सथिया सन सन गोलिया दागे इसके बाद पाकी साथियों को घेर करके पाकिस्तानियों ने मौत की नींद सुला दी। अंधाधुंध फायरिंग किए आए है, मार करके पाकिस्तानी ऊपर निकल गए। दो पाकिस्तानी फौजी उन जवानों के आसपास मंडरा रहे, एक 10 कदम की दूरी पे है, एक जा करके बारी बारी से बूट मारने लगा पैरों के ऊपर। हे कुमारा किसी ने नहीं हिला, साथ में जोगिंदर यादव को मारा आया है। 13 गोली खा चुका जोगिंदर यादव मरा नहीं था, गोली एक भी उस जगह पे नहीं लगी जो जोगिंदर यादव के जान को ले सके। जोगिंदर यादव का मूर्छा टूट गई, देखा कि एक पाकिस्तानी टेस्ट कर रहा है कि कितने फौजी जिंदा है। बगल वाले फौजी के पास गया, बारी बारी से 6 जवानों को गोली मारा सीने में। जोगिंदर कहा मेरी भी बारी आएगी। पहुंचा हुआ पाकिस्तानी फौजी ऑलरेडी पहले से ही 13 गोली खा चुके जोगिंदर यादव को 14वीं गोली मारा बाजू में, बहिया धुआं धुआं हो गई। जोगिंदर यादव बोले मार ले, अगर बच गया तो तुम्हें बदले मारूंगा, उप तक नहीं बोलूंगा कि मैं जिंदा हूं, तुम्हें एहसास नहीं होने दूंगा मैं हूं भारत का फौजी। 14वीं गोली बाजू में, 15वीं गोली जंघे में, 16वीं गोली घुटने पर और 17वीं गोली पैर के नीचे मारा, रख दिया सीने पे बंदूक। जोगिंदर यादव सोचे अब मैं नहीं बचूंगा, छोड़ दिया गोली, जाको राखे साया मार सके ना। पाकिट में पर्स, पर्स में 5 के 2 सिक्के, सिक्के से टकरा करके गोली वापस हो गई। वह फौजी समझ नहीं पाया कि मैंने इसे मारा या नहीं मारा। कुछ दूर पीछे हटा है जोगिंदर यादव, बोले साले मैं तुम्हें मारूंगा, खींचे ग्रेनेड और खींच करके सर पे दे मारे। उड़ गई हो भैया वो पाकिस्तानी का खोपड़िया, जाके जोगिंदर यादव का अंगवा गिर के नाचा थी। अब जोगिंदर यादव बोला सारे देखा मैं हूं भारतीय फौजी, मरते मरते तुम्हें मार दिया। अभी एक कुमारा तब तक से 10 कदम के दूरी पे खड़ा उस पाकिस्तानी फौजी का वायरलेस बजने लगा, वायरलेस से बात कर रहा है, आवाज आ रही है एरिया कमांडर का, कल शाम होते होते इंडियन आर्मी के नीचे जितने भी बंकर पोस्ट बने हैं कोई नहीं रहना चाहिए। यह बतिया जोगिंदर यादव का दिलवा में आग लगा दलस। 19 साल का उम्र, 2 साल का नौकरी, कैलन का मास्टर साहब भाव बदल गए। कि अरे गरज पड़ा, कि गरज पड़ा यादव कुल का बघेला, गरज पड़ा लेट लेट करके सीने से बंदूक दबाता था, पलट पलट करके फायरिंग करता था एक हाथ से, इतना घूम घूम के राउंडिंग फायर कैलस की उ पाकिस्तानिया चकमा खा गई। लग रहा है इंडियन आर्मी के जवान बहुत संख्या में ऊपर आ गए हैं। सारे पाकिस्तानी फौजी और आतंकवादी ऊपर वाली चोटी पे गए, बैठ करके झंक रहा है जोगिंदर यादव, मैं साहब तक कैसे खबर पहुंचाऊं, अपने
जवान साथियों को कैसे बचाओ। मानो अंतरात्मा की आवाज आई, बेटे यहाँ से 10 कदम नीचे जाओगे एक नाला है, कूद जाना, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाओगे। 10 कदम चला नहीं जा रहा है, एगो बहिया में गोलियां लगला से बहिया टूटल है। जोगिंदर यादव दर्द सह ना पाओ तो एक बार सोचलन कि बहिया तोड़ के फेंक दी, लेकिन वह बाह टूट नहीं पाई। आखिरकार दर्द कम हो इसके लिए किए क्या? किया टूटल बाह को है बेल्ट में फंसाया, और तलुड़ कानाल में जैसे ढेरा गरज पड़ा, याद खुल का बघेला। जवान मारा छलांग, लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया है, 1000 फीट नीचे खाई में गिरना चाहता है। तब तक से जवन हथवा सलामत हो, वैसे वो पत्थर का टुकड़ा पकड़ा गया। देखे देश का ओरिजिनल हीरो का बात बतावत है, एक हथवा से वो पत्थर को टुकड़ा पकड़ के झूलल हो भैया, अक्सर फिल्म में देख लो है बकुल हीरो झूले लन। लेकिन सच्चाई यह है कि देश का रियल हीरो हकीकत में झूला है। एक तरफ खाई है, एक तरफ फौजियों की टोली दिख रही थी, आवाज लगाया, भाई मेरे मैं इंडियन आर्मी का जवान फला बैच फलाना रहे, आप मुझे बचा लो। आनन फानन में हमारे देश के फौजी किसी तरह फौजी को बचाने में कामयाब हो गए। लेकर के आर्मी बेस कैंप की तरह चलना चाहते हैं, जाते जाते वहां शाम हो गल हो भैया, बारूद लगला से 17 गोली खेला से जवान बेहोशी की हालात को पहुंच चुका है। जब आर्मी बेस कैंप में पहुंचा है, सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर बोले, बेटा मुझे पहचान रहे हो? कहा, नहीं सर, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूं। सीओ बोले, कमांडिंग ऑफिसर बोले, मैं तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर बोल रहा हूं। जवान, वह जवान बोला, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, कैसे हो? कहा, सर प्लीज मुझे पानी पिलाइए, इसके बाद मैं बोल पाऊंगा, हिम्मत नहीं करे कि मैं आपसे बात करूं। बोला, नहीं तुम्हें पानी नहीं दी जाएगी। बगल वाला प्राथमिक उपचार करने वाला डॉक्टर बोला, सर इस जवान को अगर पानी नहीं दे सकते हैं तो ग्लूकोज तो दे सकते हैं। आया है जब जवान योगिंदर यादव ग्लूकोज पियन तन की शरीरिया में जान बहिल। कलने साहब, ऐ साहब मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ साहब, 17 गोली लग गई है, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं। कमांडिंग ऑफिसर बोला, जवान तब तो तुम्हें बहुत जल्दी इलाज की जरूरत है। कहा, बिल्कुल नहीं सर, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है सर, पता नहीं जब तक मैं बात कर रहा हूँ साहब ना, तब तक मेरी कुछ जरूरी बात सुन लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ साहब, इस जरूरी बात से जिंदा रहना जरूरी नहीं है साहब। कमांडिंग ऑफिसर बोला, रे बेटा क्यों रे, कौन ऐसी बात है, तुम्हें जिंदगी से भी प्यारी दिख रही है। कल साहब सुनिए ना, का बतावे मास्टर, कहे की प्रणवा से प्यारा, बावतानवा साहेबू की भारत के हमारी जानी अनुपारा हो, कमांडिंग ऑफिसर बोले, अरे बेटा क्या करना होगा, रे क्या करना होगा तो बतावे, कि भेजी जवाना वन के टोली आया साहेबू, कि दे बाबा गोली आया साहेबू, कि ये हो साहेब बंद
बिरिया हमारी जानिए नुकारो आए बाबू। इतना कहते कहते जोगिंदर यादव की जुबान खामोश हो गई। अब हम 30 सेकंड के लिए आप लोगों को यहीं रोकेंगे। जोगिंदर यादव के साथ क्या हुआ इसको अभी फिलहाल मैं बताने के मूड में नहीं हूं। अब आप लोगों को 30 सेकंड के लिए कारगिल की सबसे ऊंच चोटी पुनः टाइगर हिल की तरफ लेकर के चल रहा हूं मास्टर। आल्हा में भाव बदल गए। बढ़ जा और बढ़ जा और बढ़ जा। हम कहीं ना कि अरे के मार नहीं बाबू। जवान कारगिल का टाइगर हिल फतह कर लिए। डबल न्यूज देने जा रहा हूं ऊपर। जवान कारगिल का टाइगर हिल फतह किए। इधर बेहोश जोगिंदर यादव होश में आ गए। आनंद फानंद में रेफर किया गया जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर में जोगिंदर यादव का इलाज होके लगा। 14 अगस्त 1999 रात 8 बजे बाबू करण सिंह और दुलही रीना टीवी के सामने बैठल हुए कि रजऊ इतना बड़ काम के लिए तो इनके कोनो न कोनो इनाम मिली। अचानक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था, चार जवानों को मरणोपरांत अर्थात मरने के बाद परमवीर चक्र दिया जा रहा है। चौथा नमवा आयल जोगिंदर यादव बुलंदशहर यूपी। आय हाय हाय। रोने लगी रीना, सवाल कर दी धर्म के बाप से अपने ससुर से पिताजी। फोन पे मैं जिनसे बात करती थी कहते थे ए रीना 17 गोली लगी थी लेकिन निकल गई है खतरे से बाहर, उरे ठीक हो जाऊंगा। वो कौन थे? अगर वो जिंदा थे तो ये मरने वाले जोगिंदर यादव कौन है? पिताजी मैं चकमा खा सकती हूँ लेकिन आपके बेटे हैं ना, आपने भी बात की थी, क्या वो आपके बेटे नहीं थे? क्या आर्मी वाले झूठ बोलते हैं पिताजी? कभी ये जगह भाव लिखत हूं जीतन खड़ी में भाव। बाबा दिया
ए बाबू तवले चीफ ऑफ आर्मी सुनवले खबरिया अब 15 अगस्त 4 बजे भोर हरिया आर्मी के चीफ सीधे पहुंचे उस हॉस्पिटल में जहां जोगिंदर यादव का इलाज हो रहा था। जोगिंदर तुम्हें पता है 4 जवानों को परमवीर चक्र दिया जा रहा है? हाँ सर मुझे पता है, मेरे साथी जोगिंदर यादव को दिया जा रहा है। यह जोगिंदर यादव कौन है? उसी जोगिंदर यादव के साथ एक और जोगिंदर यादव शहीद हुए थे। लेकिन साथियों सच यह है, आर्मी चीफ बोले नहीं बेटा, थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, थोड़ी सी चूक हुई है, यह परमवीर चक्र तुम्हें दिया जा रहा है। जवन परमवीर चक्र विजेता का नाम सुन के जोगिंदर यादव फौजी बनने का जज्बा पाला था, आज उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं परमवीर चक्र विजेता बन गया हूं। तवले 16 माह चलल योगेंद्र के इलाज हो, ग्रेनेडियर से सूबेदार मेजर के मिलल ताज हो। 16 माह इलाज के बाद जब योगेंद्र यादव स्वस्थ हुए तो प्रमोशन मिला है, ग्रेनेडियर से सीधे सूबेदार मेजर का पोस्ट पाए और आर्मी का वह सर्वोच्च सम्मान पाए जिसके लिए हर आर्मी का जवान ललायित होता है, ख्वाहिशमंद होता है। लेकिन एक बात और भयल है, लगा दी जीतन, तब 20 साल के उम्र में और ट्रेनर भैले हीरावा, बाकी तजिया ते परमवीर चक्र पाई गईले हीरा। जिन भाइयों को थोड़ा सा भी शक होगा इस विरह की कहानी पे, तो आप जोगिंदर यादव का इंटरव्यू देखेंगे आज तक न्यूज चैनल पे श्वेता सिंह के साथ, एक भी काल्पनिक बात नहीं है। आज भी वह जवान जिंदा आर्मी में ट्रेनर के रूप में कार्यरत हैं। तो गीत की आखिरी कड़ी, बुद्ध छत्रपति साहू फूले पेरियार की धरती, बाबा साहब ललई यादव ज्ञानी पैदा करती, अरे बोली भी बोली बंदे मातरम मांगे सूरज।